मुझे भी और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी लगातार अनेक प्रदेशों से बीच बीच में फ़ोन आते हैं कि हमारी वैक्सीन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैक्सीन इतनी आज लग गई है। कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी फ़ोन किया है, 1-2 स्थानों से मुख्यमंत्रियों का भी फ़ोन आया है, और स्वास्थ्य सचिव भी हमारे स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स को वैक्सीन देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको पूरी ताकत के साथ और पूरे मिशन मोड में उनको वैक्सीनेशन कराइए। आपकी वैक्सीन जैसे जैसे वो समाप्त होती है, हम साइमल्टेनियसली उसको जिस प्रकार से अभी तक रिप्लेनिश कर रहे हैं उसको हम लगातार रिप्लेनिश करते रहेंगे। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है, और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन्स जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं।